और अभी आपको खबर देंगे, 15 पर डकैती की इत्तला देने वाले शख्स के अपने ही घर से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। चूचक पुलिस ने गुज़श्ता दिनों होने वाली डकैती की वारदात को बेनकाब कर दिया है। 15 पर डकैती की इत्तला देने वाले शख्स के अपने ही घर से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। चूचक पुलिस ने गुज़श्ता दिनों होने वाली डकैती की वारदात को बेनकाब कर दिया है। 15 पर डकैती की इत्तला देने वाले शख्स के अपने ही घर से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। चूचक पुलिस ने गुज़श्ता दिनों होने वाली डकैती की वारदात को बेनकाब कर दिया है। 15 पर डकैती की इत्तला देने वाले शख्स के अपने ही घर से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे एजाज ताहिर से। एजाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों रिनालापुर के लवाही गांव चूचक के रहायशी तारक ने 15 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दी कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन प्वाइंट पर मुझसे 2,45,000 रुपए छीन लिए हैं और फरार हो गए हैं। जिस पर डीपीओ करड़ा उमर सईद मलक ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और एसडीपीओ सर्कल एहसानुल्लाह फौरन मौके पर पहुंचे और 15 पर कॉल करने वाले शख्स से जब पूछताछ की गई तो हालात मशकूक पाए गए तो तारक को हिरासत में लेकर उसके घर की तलाशी ली गई तो डकैती में लूटी गई रकम 2,45,000 रुपए उसके घर से ही बरामद हो गई और ये रकम पुलिस ने असल मालकान के हवाले कर दी और मुल्जम के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज ताहिर कादरी आपका।